छोरा पग हरियाणे आरा, यो छोरा हरियाणे आरा। कमरंग मजारा ने भाई कल रात ना ऐसी कॉन्फिडेंस जो आप लोग बोले जिस आना था निकल कर तब उसके बारे में बता सकता, क्योंकि भाई इसके बारे में आपको जाना अलाउ है और ना वेरी में जाना अलाउ था, तो बिना कमरंग से तब जाम वीडियो में भाई और मैं बहुत तरफ रहा था मैं करके लगाया एक सुबह के भाई साढ़े 10 बजे है लो भाई नज़ारे देखो यार, तुम ग्रीन ग्रीन पहाड़, नीला नीला आसमान, सफ़ेद सफ़ेद बादल और एक नंबर की सीनरी और बढ़िया चकाचक चमकते सफ़ेद काले रोड, और इन काले काले रोडों पर हमारी सरपट गाड़ी चलती हुई ले की तरफ। लेकिन ले तो पहला भाई हम रुकेंगे केलोंग में, क्योंकि हम पीछे टंडी में रुक रहे थे और टंडी में एक भाई से हमने पूछा तो उसने बताई भाई कि आगे केलोंग में जाकर ने एक्चुअल में हमने सिम लेनी थी और वो सिम लेने खातर उन्होंने हमारी बताया कि अगर केलोंग में जाइयो उड़े केलोंग में जाकर ने सिम ले लिए उड़े तो सिम मिल जाएगी। और दूसरी भाई हमारी गाड़ी में एक टायर में पिछले टायर में ड्राइवर साइड में पंचर भी हो रहा था, वो हमने भाई स्टेपनी में चेंज कर लिया है और उस स्टेपनी में भी हमने किया है भाई पंचर लगवाना है। तो आगे जित कितने भी कोई भी हमने पंचर की दुकान मिलती है तो सबसे पहला तो काम है पंचर लगवाना, क्योंकि भाई इसी जगह पर अगर गाड़ी के चारों टायर ठीक नहीं है ना तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने टायर ठीक करवाने हैं, उसके बाद हमने फिर भाई सिम लेनी है, क्योंकि देखो टायर ठीक हो गए लेकिन हम किसी तरह नेटवर्क नहीं कर पाएंगे, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे तो भी दिक्कत बहुत बनी है। तो खाना पानी और भाई नेटवर्क, ये दो तीन चीज़ हैं इसी जो बहुत ज़रूरी है रखनी हमने। अगर खाना पीना तो हमने भाई ले लिया था और भाई नेटवर्क की और कसर रह जो है वो नेटवर्क और ही बढ़ते हैं ले लेंगे आगे तक केलोंग में। बाकी देखो भाई तुम देख रहे हो कि कैसी सीनरी चल रही है, रोड इब टू लेन चल रहा है, फोर लेन था वो ही ख़त्म हो लिया है, मेरा था अगर टू लेन जानता रहेगा बराबर में बहुत गहरी खाई है नीचे ना और बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ आने लग रहे हैं। देखो भाई आ गई भी एक डायरेक्शन बोर्ड आने लग रहा है, देखा अड़े कितनी दूर रह रहे हम केलोंग का के अड्रे अड़े ट्रक्स है मंदा चल रहा है। अच्छा अग काटो अगर काटो अड़े के देखते हैं ये आ गए, ये भाई केलोंग 9 किलोमीटर रह रहा है बैठकर उदयपुर 45 किलोमीटर अड़े जाए जो उदयपुर अच्छा वो उधमपुर है भाई। केलोंग पहुंच गए, हमने रास्ते में एक या मिल गई थी दुकान जित पे हम अपनी गाड़ी का पंचर लगवा सका थे, अरे पंचर लगवाने लग रहे हैं, एक स्टेपनी है उसमें पंचर था और एक भाई देखो अगला टायर है इसमें भी हवा कम हो रही है, स्टेपनी में पंचर लगाने लग रहा है भाई ओड है यार रुके हाँ एक बार पंचर लगवा लें भाई, टायर बहुत जरूरी है टायर नहीं होंगे तो जमा के ऊपर है ना, तो मेरा पंचर लगवा लें भाई इस रास्ते आए हैं ही मड़ेगा घूम कर रड़ा आ कर सीधे आगे चलेंगे
ये देखो भाई ग्रीन पहाड़ बिल्कुल उधर बर्फ पड़ रही है। तो एक तो उस पहाड़ी में बर्फ दिखा थोड़ी सी, एक उड़ो वो दूर जिसने पीछे छोड़ा है, ये एक शामी दिखा रही है वो उड़ा दिखा है। थोड़ी देर में पहुंचाएंगे, पूरी बर्फ में पहुंचाएंगे। वही नीचे जा रहे हैं मार्केट में किलोंग सिम लेने के लिए। ऊपर बस स्टैंड पर गाड़ी खड़ी कर दी है, पीछे कोई मंदिर के साथ का रास्ता बता देते, गाड़ी भी आ सकती लेकिन हम पैदल चल रहे हैं। गाँव भी देख लेंगे भाई, देखियो नालियाँ में देखिए साफ पानी चल रहा है, कितना पहाड़ा का चल रहा है, ठीक है सप्लाई कपड़े कपड़े धोने में रखी थे किसी तरह यूज कर लेंगे। ये देखो भाई मार्केट नीचे है, देखते हैं भाई किस साइड मार्केट में लगी। नीचे 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 जान लग रहे हैं कि देखे जाया जाएगा जीत के नीचे हाड़े का चाल है ग्राउंड का चाल है आज और इनके देखा है। स्कूल आ गया भाई, बच्चे की आवाज़ आना रही बहुत। नीचे मार्केट के लिए रास्ता यही जाएगा सर। थैंक यू। ये भाई स्कूल है यहाँ पे, क्या है जिमनेजियम किलोंग स्कूल नहीं यहाँ पे, तो मतलब कुछ कराटे वगैरह आ रही है, कुंग फू वगैरह की क्लासेस चल रही है। तो भाई मार्केट मिल गया भाई, एक दो एक की मतलब ट्रेड चल रही है बच्चा की, ट्रेनिंग चल रही है भाई बच्चा क्या है। इस पानी के साथ छा लिया भाई हम भी मार्केट में। लो भाई सामने मार्केट दिख गया यार, ये बार ढूंढा है भाई किसी की कैसे मिल लगी। हमने BSNL की जो शाम ने 5 बजे चालू होगी और प्लान दिया उसने 99 में 25 GB इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल्स का और 500 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाई है उसने। तो भाई हम ले गए रास्ते में चल रहे हैं, अभी अभी हमें पता चला कि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सियाचिन है। तो फिलहाल हम ले तक पहुंच रहे हैं और बाकी देखो ले तक का डेस्टिनेशन तो भर रखा है, टाइम हो गया 12 बजे, सूरज ढलन तक पहला जड़े दी पहुंच जावेंगे, वहीं तक ड्राइविंग करांगे। अगर किधर बढ़िया सी टेंटिंग या कैंपिंग की जगह मिल गई तो कैंपिंग कर लेंगे, वरना भाई किधर रूम वगैरह लेकर या फिर कोई और स्टे करने की जगह मिल गई सुविधा मिल गई तो उसमें स्टे करांगे। चल रहे हैं भाई अपने रास्ते मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। बाद 70 किलोमीटर रह जाएगा दर्चा, इसका भी एक स्पॉट है यहाँ पे, अच्छे व्यू है सीनरी है भाई। तो ये फोटो वगैरह का शौक हो जाता है फोटो ले लेगा। देखो ये बाहर की तरफ दिखा भाई, देखो नीचे की तरफ प्लेन है, प्लेन में एक नदी बह रही है, उस प्लेन में देखो कई जगह पर नदी निकल रही है, कई कई जगह पर जा रही है। पहाड़ देखो भाई या जिसपा वैली है भाई यार का होगा दर्चा है शायद कुछ और नाम था, सरचू 82 किलोमीटर रह रहा है और उससे पहला दर्चा आ जाएगा। चल रहे भाई, ब्रो ने अच्छे रोड बना रखे हैं,
बढ़िया सेफ्टी के साथ, टू लेन रोड है भाई, ग्रो वर्क रोड पे काम कर रहा है भाई। यहाँ पे देखो मोबाइल कर, देखो ऐसे, वाह वाह क्या सीन है, क्या सीन है भाई, क्या सीन है। बाइकिंग में थोड़ा फालतू मजा आ हुआ भाई इस बार का, बाकी गाड़ी में भी बढ़िया मजे आ रहे हैं। अपना अपना टेस्ट है भाई, जिसने गाड़ी में मजे आते हो वो गाड़ी में चलाओ, सुनो भाई बाइक में मजे आते हो बाइक में चलो, अपना अपना टेस्ट है भाई सबका। बाइकर्स की भी एक अपनी यूनिट हो रही है भाई, दो भाई रोहतांग टनल पे अपनी साइकिल खड़ी कर दी और उड़े फिर लिफ्ट लेके आए, एक बस में आए, क्यों कराए भाई ये हमने फिर फालतू बात दोबारा करी पर ऑल विल वेट बेटर बी लेट। मतलब एक चीज देखिए यार, ब्रो ने जो रोड पे जो स्लोगन लिख रखे ना, बड़े क्रिएटिव है यार, बड़े मस्त स्लोगन दे रखे हैं, पटन में भी मजा आवे और एक मोटिवेशन, अजीब सी मोटिवेशन दे है। अगर आप तनु लिख दिया अगर साइड प्लीज या हॉर्न प्लीज, अरे मैंने देखा एक ट्रक के पीछे के लिख रहा है शेयर द रोड, बहुत बढ़िया है। मतलब एक इनोवेटिव वे में स्लोगन बना रखे हैं, नहीं कुछ भी बस खाना पूर्ति कर जाता है, चेक दिया बाजू कुछ भी ना, दिल से काम कर रहा है ब्रो सीरियसली। देखो भाई बिल्कुल नंगे पहाड़ है, कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, सिर्फ पत्थर के मिट्टी के, प्लेन बीच में घाटी है या इस साइड मेरे साइड में ड्राइवर साइड में या घाटी है और इन्हें पार करके आए हैं और जिस पाक के आगे अभी 80 किलोमीटर बाद दूर है भाई दरचा, ठीक है। दरचा के पहले आ जाएगा एक और स्पॉट है, दरचा नहीं दरचा पहले है, उसके बाद है एक और पॉइंट है, क्या नाम था उसका भूल गया भाई मैं, अभी बोर्ड पे देखा था वीडियो में मैंने अभी जो बताया भी था, जिसपा जिसपा तो भी गया, ठीक है। देखो भाई व्यू देख पड़ेगा आगे ले कर कैमरे अंदर देख रहे मस्त व्यू है, एक नंबर का। देखो भाई उरें देखिए, ये देख किसे पहाड़ काट के गिर रखे, देख पत्थर काट काट के गिर रखे, देखी साइड में पत्थर काट काट के नीचे गिर रखे है सारा ही चाहिए लिया। मतलब यो या तो पूरा पहाड़ थाड़ यो पहाड़ काट कर दिया, ठीक है, या फिर ऊपर तो जब भी कोई लैंडस्लाइड हुई वो काट काट करना, या जो रोड बना रखा है ये काट काट करना, वो चीज देख सारा पत्थर उठ दिखा दिखाई भाई बार गिरन लेगा भाई, देख यो सारे का। देखो ये गलत काम है यार, ये जो करिए बियर पी कर ना, ये बोतल फोड़ के चले जाना, ये गलत काम है। देख भाई साइड चला दे, बुलेट दिखा रहे, देख भाई देख भाई मस्त व्यू प्लेन, देख एक नदी और इंदे बह काल लग रही है, एक और प्रिंता लग रही है, दोनों आकर आड़े मिल गई, एक तो और इंदा लग रही है प्रिंता और जो उनकी जगह और एक अप्रिंता लग रही है प्रेन उस साइड से मसाले पड़ जाएंगे जब भांग मेरी तू घुटेगी, मेरे प्यार के रस में खोके तू सब हंस दे हंस दे उठेगी, मेरे भांग का काल कूट का जहर पीने का पीना रे तू देख तेरी पैरों रहेगी, यो जीना भी की जीना परिवार नहीं मेरा यारी भूतर बनना की तू छोड़ गया वैसे चोरी मैं
वही है बिरचा पॉइंट, इसके बाद वीडियो मतलब जो भी है कॉलिंग वगैरह बंद हो जाएगी, नेटवर्क एरिया नहीं। इसके बाद नोटिस भी लगा रखा है कि इसके बाद कोई नेटवर्क नहीं है, अपनी फैमिली वगैरह का स्टडी करके या फिर अपने फोन से कॉल करके बता दो भाई। यहाँ पे चेक पोस्ट चल रहा है या एंट्री करवाएंगे या फिर उधर से आने वालों का भी है, और इधर से जाने वालों का है या नहीं वो अभी तक, क्योंकि इस साइड से हम पहले ही जा रहे हैं भाई और कोई आया नहीं है इस साइड से। भाई एंट्री करवानी पड़ रही है, एंट्री करवा रहा हूँ भाई अपना। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट दरचा हिमाचल पुलिस अपना ईमानदारी से यहाँ पर काम करते हुए।